हेलो, वेल्कम टू यूएस एन मल्टीफेरियस एंड दिस इज उपेंद्र सिंह। और आज मैं फिर से एक हिंदी वीडियो के साथ वापस आया हूँ, और बहुत टाइम बाद आया हूँ, वो तो आपको पता ही होगा। सेटअप भी अलग है और मेरा लुक भी। तो इसमें भी मैं कुछ ऐसे एक टॉपिक ले रहा हूँ जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको एक टारगेट करेगा, और ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है। सो ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान दें। सो कृपया ध्यान दें, लेट्स गो। अब जैसे कि सबने सुना होगा कि हमें किसी और की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बट फिर भी बहुत से लोग हैं जो अनसक्सेसफुल है, और कुछ ही लोग हैं जो सक्सेसफुल है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके तो बहुत सारे रीजंस है, बट उसमें से एक रीज़न है जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हमारा माइंड जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। हम लोगों की तब सुनते हैं जब हम खुद उसे सुनना चाहते हैं, और अपना ह्यूमन ब्रेन है ही ऐसा कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करता है, और आसपास ज़्यादा पॉजिटिविटी है भी नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही बात कर रहा हूँ। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक स्टार्टअप का प्लान किया, आपके पास आइडिया है, आपने रिसर्च कर रखी है, सब कुछ सही है, सब सेट है, और अभी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार, कोई एक चीज़ जिससे आपको लग रहा है कि वो वर्क नहीं करेगा। आप इसमें अभी करोगे क्या? क्या आप अपने फ्रेंड्स को पूछोगे या और पहचान वालों को पूछोगे? तो सपोज़ अगर आपने 10 लोगों को पूछा, उसमें से 8 लोग जो है वो तो अगेंस्ट होंगे, या फिर आपको डरा देंगे या डीमोटिवेट कर देंगे कि यार ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, तो तू इसमें मत घुस ये। और अभी जो 2 लोग बचे हैं वो शायद बोल दे आपको, वो आपको जानते हैं या वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो बोलेंगे कि ठीक है, गो फॉर इट। तो अब अपना माइंड तो ऐसे ही काम करेगा, वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा देखेगा क्योंकि मेजॉरिटी है। तो ऐसा लगेगा कि यार इतने लोगों ने बोला तो गलत नहीं होगा। तो इस वजह से जो आपने होल छोड़ दिया था अपने एक थॉट में, उसमें से नेगेटिविटी अंदर घुस गई, और आपका आइडिया धीरे धीरे आपको वो अच्छा नहीं लगने लगा, और 99% चांस है कि आप उसको ड्रॉप कर दोगे। तो ऐसे ही हर जगह हो रहा है, बहुत कुछ जितना मैंने एनालाइज किया यही होता है। तो ऐसे कितने लोगों के हिडन टैलेंट्स हिडन ही रह जाते हैं, बस यही सब जो हो रहा है इस वजह से। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप और उन 10 लोगों में कुछ फ़र्क है? है। हर एक बंदा अलग होता है सबकी लाइफ में, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग प्रेफरेंस है, अलग प्रायोरिटीज़ है। तो वो सेम कैसे सोच सकते हैं? अगर आपके लिए वो काम कर रहा है, आपको पता है, आपको उस पर भरोसा है, तो आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो कोई एक्सपर्ट ना हो उसी फील्ड का, या फिर कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी ना हो, तब तक आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। रिमेंबर देयर इज ओनली वन यू इन दिस वर्ल्ड। पीपल माइट बी स्केयर्ड ऑफ यू बींग सक्सेसफुल, इस वजह से शायद वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो ब्रेन वॉश मत होने देना, आप अपनी एक सोच रखो और उस सोच पे डटे रहो। वर्क हार्ड एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ऑफ डिफिकल्टीज। ऑल द बेस्ट। वर्क हार्ड एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू अंडर द एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ऑफ डिफिकल्टीज। छोटे से लेके बड़े हर एक बंदे को टारगेट करना चाहता हूँ।